हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कृष्णा जी के लिए झूला बनाना सीखेंगे। अभी जन्माष्टमी आ रही है, इसमें ग्लू लगा देंगे अच्छी तरह से। मोटा वाला बॉक्स लिया है, उसमें दोनों तरफ से होल बना दिए हैं। अब इसको फैब्रिक से कवर करना है। फैब्रिक को अच्छी तरह से कवर करने के बाद में जहाँ पे होल बनाए थे वहाँ फैब्रिक को कट कर देंगे। अच्छी तरह से इसमें कट लगा लेने हैं टॉप में, पूरा राउंड में। और ये वाले रोल लिए हैं कार्डबोर्ड के, इसको गोटे वाले लेस से अच्छे से कवर कर देंगे। तीनों रोल एक ही साइज़ के लेने हैं और तीनों को सेम इसी तरह से लेस से कवर कर रही हूँ। ये कवर कर लिया है। अभी इसमें अच्छी तरह से ग्लू लगा देंगे ये जो होल बनाए थे, और उनमें अच्छी तरह से इन रोल को फिक्स कर देना है। इस तरह से झूले का बेस बन गया है। अब इसको डेकोरेट करेंगे। यहाँ पे मिरर वाली लेस से इसको डेकोरेट कर रही हूँ। इसके पहले मैंने बहुत अलग अलग डिज़ाइन के झूले बनाए हैं, मटकी पेंटिंग की हैं, आप ज़रूर देखिएगा मेरे वीडियोज़ को। तो झूले का नीचे का बेस बनाने के लिए यहाँ पे छोटे साइज़ का कार्डबोर्ड लिया है, उसमें फोम स्टिक कर दी है। अब इसको तीन तरफ से फैब्रिक से कवर कर रही हूँ, ओनली तीन तरफ से करेंगे। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर देंगे। इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। ये झूला बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है। इसका जो बैक पार्ट है इसको बनाने के लिए इस तरह से आर्च शेप में कट किया है। अब इसको फैब्रिक से कवर करना है, उसके बाद में इसको झूले से अच्छी तरह से स्टिक कर देंगे। और इसके बैक साइड में ये पिकॉक वाला पैच लिया है, ये स्टोन वाला, इसको स्टिक कर देंगे। बाकी के दोनों पैच भी स्टिक कर दिए हैं। अब नीचे झूले के बेस को डेकोरेट कर रही हूँ। यहाँ पे ये बड़े वाले पर्ल्स लिए हैं, इसको अच्छी तरह से ग्लू लगा के स्टिक कर देंगे। अब ये झूला बनाने के लिए ये जो नीचे वाला बेस है इसमें अच्छी तरह से ग्लू लगा देंगे। और ये लेस ली है, सेम साइज़ की ही कट करना है लेस को। ये डोरी बना रही हूँ झूले की, इस तरह से सेम साइज़ की, इसको अच्छी तरह से स्टिक कर दिया है। यहाँ पे लटकन वाली लेस को स्टिक कर देंगे झूले में, अच्छी तरह से ग्लू लगा देंगे और इसको स्टिक कर देंगे। ये झूला बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में, बहुत कम टाइम में बन जाता है। अब इसको रोल के अंदर इस तरह से डोरी को डाल देंगे और ग्लू लगा देंगे जो रोल बनाए थे, ताकि ये झूले में अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। यहाँ पे रेड कलर का नेट लिया है। ये फैब्रिक को थोड़ा लंबा ही लेंगे साइड से और नीचे की तरफ से, और छोटी छोटी प्लीट्स बनाते हुए पूरे झूले में सामने की तरफ में स्टिक कर देंगे। एकदम नए तरह का झूला बन के तैयार होगा ये। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं। सेंटर से कट कर देंगे इसको और इस तरह से पतली पतली फ्रिल बनाते हुए प्लीट्स बनानी है सॉरी, और इसको अच्छी तरह से सुई धागे की हेल्प से अच्छी तरह से इसको टाइट कर देंगे। यहाँ पर मैंने वायर से इसको दोनों तरफ से अच्छी तरह से फंसा दिया है। अब इसमें ग्लू लगाएंगे और मोरपंख को स्टिक कर देंगे, और इसके टॉप में ये फ्लावर को स्टिक करेंगे। दूसरी तरफ में भी मोरपंख को स्टिक करके फ्लावर्स को स्टिक कर देंगे। और इसके टॉप में ये तीन तरह की लटकन को स्टिक करना है, ये गोल्डन मोती से बनाई है मैंने। और इसमें झूले में नीचे की तरफ में दो डबल वाली डोरी को स्टिक कर दिया है, और ऊपर में दो कलर के फ्लावर्स को अच्छी तरह से स्टिक कर देंगे और इसको डेकोरेट कर देंगे। इस तरह से झूला बहुत ही कम टाइम में बन जाएगा और आप भी बहुत ही इजीली बना सकते हैं इसको। ये सभी चीज़ें आपको क्राफ्ट शॉप में मिल जाएंगी, जहाँ पे क्राफ्टिंग का सामान मिलता है, या तो आप स्टेशनरी शॉप से भी इसको ले सकते हैं। और जितने फैब्रिक यूज़ किए हैं मैंने, ये सारे आपको फैब्रिक शॉप में मिल जाएंगे। इस तरह से ये झूला बन के तैयार है, बहुत ही कम टाइम में बन जाता है और बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है। आप भी अपने कृष्णा जी के लिए ज़रूर बनाएगा इस तरह का झूला। थैंक यू, बाय।